मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एक पैलेस दिखाया जाता है जहाँ पर एक इंजर्ड आदमी उस पैलेस में किसी से छुपने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसकी बॉडी पर किसी ने एरो मारा हुआ था। पैलेस में जगह जगह पर लबेल्स नामी पोस्टर लगे हुए थे। पूरे पैलेस में अंधेरा छाया हुआ था जो कि डरावना लुक दे रहा था। वहीं दो छोटे बच्चे भी किसी से छुप रहे थे और वो दोनों भाई थे। उन बच्चों में छोटे बच्चे का नाम एलेक्स था। एलेक्स का भाई उसे कबर्ड में छुपा देता है लेकिन तभी वो इंजर्ड आदमी वहाँ पर आ जाता है और वो एलेक्स के भाई से हेल्प मांगता है लेकिन एलेक्स का भाई बजाय उसकी हेल्प करने के घर के सारे लोगों को चिल्ला चिल्ला कर बुला लेता है और तभी वहाँ पर पैलेस के सारे लोग आ जाते हैं जिन्होंने क्रीपी मास्क पहन रखे थे। वो इंजर्ड आदमी को खींच कर अपने साथ ले जाते हैं और उसे बुरी तरह मार देते हैं। वहीं एक लेडी उस इंजर्ड आदमी को बचाने के लिए चिल्ला रही होती है। इस इंसिडेंट के बाद 30 साल गुजर जाते हैं जहाँ पर एक लड़की जिसका नाम ग्रेस था उसकी शादी हो रही थी एलेक्स के साथ और ये लड़की ग्रेस ही मूवी की मेन कैरेक्टर है। एलेक्स वही छोटा बच्चा है जिसे हमने 30 साल पहले देखा था जो कि अब बड़ा हो गया है और ये एक काफी रिच फैमिली थी जबकि ग्रेस ऑर्फनेज में पली बड़ी थी। ग्रेस और एलेक्स एक दूसरे से काफी प्यार करते थे लेकिन 30 साल पहले होने वाले इंसिडेंट की वजह से एलेक्स अपनी फैमिली के साथ नहीं रहता था बल्कि वो अलग रहता था। शादी से पहले एलेक्स का भाई ग्रेस को वार्न करता है ये कहते हुए कि तुम्हारे पास आखिरी चांस है, शादी के लिए इनकार कर दो क्योंकि हमारी फैमिली अच्छी नहीं है, तुम्हें हमारी फैमिली से दूर रहना चाहिए। यहाँ पर ग्रेस कुछ भी समझ नहीं पाती कि आखिर ये क्या कह रहा है लेकिन हैरान तो वो तब होती है जब एलेक्स भी उसे सेम बात कहता है। वो कहता है कि मेरी फैमिली के लोग बिल्कुल ही अलग और अजीब तरह के हैं लेकिन ग्रेस उसकी बात नहीं मानती और कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ इसीलिए मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। एलेक्स के फादर ग्रेस को नापसंद करते थे क्योंकि वो ऑर्फनेज में जो पली बड़ी थी लेकिन वो शादी से खुश थे क्योंकि इस वजह से एटलीस्ट एलेक्स घर तो वापस आ गया था। एलेक्स की पूरी फैमिली समझती थी कि ग्रेस उससे पैसों के लिए शादी कर रही है क्योंकि वो एक काफी रिच फैमिली जो थी जबकि दूसरी तरफ ग्रेस को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये फैमिली कितनी मिस्टीरियस है। इसके बाद ग्रेस और एलेक्स की शादी हो जाती है। जब वो लोग अपने रूम में होते हैं तब एलेक्स की आंट एक सीक्रेट डोर से छुपकर उन्हें देख रही थी। ग्रेस उसे देख लेती है और वो बहुत ज्यादा डर जाती है। एलेक्स की आंट कहती है कि सब लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। एलेक्स ग्रेस को बताता है कि जब भी कोई नया मेंबर हमारी फैमिली में आता है तो उसे रात के 12 बजे एक गेम खेलनी होती है और तुम्हें एक कार्ड सिलेक्ट करना होगा और जो भी उस कार्ड पर आएगा हम वही गेम खेलेंगे। वो बताता है कि ऐसे ही गेम्स खेलकर हमारी फैमिली ने बहुत सारा पैसा कमाया और बस तभी से ये हमारी फैमिली का एक रिवाज बन गया है। ये सारी बातें सुनकर ग्रेस को काफी हैरानी होती है और उसे काफी अजीब भी लग रहा था। फिर वो पूछती है कि क्या गेम में मेरा जीतना जरूरी है, जिस पर एलेक्स कहता है कि नहीं, बस तुमने उस गेम को खेलना है यही जरूरी है। एलेक्स जब नीचे आता है तब उसका फादर उससे पूछता है कि तुमने ग्रेस को गेम के बारे में क्या कुछ बता दिया है, जिस पर वो कहता है कि सीक्रेट तो मैंने अभी तक रिवील नहीं किया और ना ही मैं कभी उसे बताऊंगा, बल्कि सुबह होते ही मैं ग्रेस को यहाँ से लेकर चला जाऊंगा। इसके बाद ग्रेस नीचे आती है और एलेक्स की मदर उससे बात करती है जिससे ग्रेस को काफी अच्छा फील होता है क्योंकि उसने अपनी सारी जिंदगी अकेले ही गुजारी थी और अब उसे एक फैमिली मिल गई थी। वहाँ पर सिर्फ एलेक्स की मदर ही थी जो ग्रेस को पसंद करती थी और कोई भी नहीं करता था। तभी वहाँ पर एलेक्स की सिस्टर भी अपने बच्चों और हस्बैंड के साथ आ जाती है। फिर वो लोग ग्रेस को एक रूम में ले जाते हैं और ये रूम सिर्फ फैमिली के मेंबर्स का ही था और किसी का यहाँ पर जाना अलाउड नहीं था। ये रूम और इस रूम में पड़ी हुई सारी चीजें काफी क्रीपी लुक दे रही थी क्योंकि वहाँ पर हर तरह के बहुत सारे वेपन्स पड़े हुए थे। ग्रेस वो सब कुछ देख कर काफी हैरान रह जाती है और डर भी रही होती है। वहीं उसे एक आदमी की पिक्चर भी दिखाई देती है जिस पर एलेक्स के फादर बताते हैं कि ये मेरे फादर हैं और साथ साथ वो ग्रेस को अपनी फैमिली की हिस्ट्री और गेम के बारे में भी बताता है कि बहुत सालों पहले ये ट्रेडिशन मेरे फादर ने शुरू किया था और उन्हें कार्ड्स की गेम खेलना बहुत पसंद था और मेरे फादर की कार्ड्स की एक शॉप भी थी और एक दिन मेरे फादर एक अजीब आदमी से मिले जिसका नाम लबेल था, जहाँ पर उन दोनों ने काफी घंटों तक कार्ड्स वाली गेम खेली जिसमें मेरे फादर ये गेम जीत गए। तब लबेल ने मेरे फादर को अपना मिस्टीरियस बॉक्स गिफ्ट के तौर पर दिया और कहा कि आपकी आने वाली जनरेशन और भी ज्यादा अमीर और सक्सेसफुल होती जाएगी, बस करना सिर्फ ये है कि जो भी इस बॉक्स के थ्रू गेम आएगी वो खेलनी होगी। इसके बाद मेरे फादर ने स्पोर्ट्स का पूरा सामान बनाया और अब उनके पास स्पोर्ट्स की एक पूरी टीम है, इसीलिए जो भी इस फैमिली में न्यू मेंबर आएगा उसे इस बॉक्स के जरिए गेम खेलनी होगी और जो गेम हमने खेलनी है वो लबेल ही हमें बताएंगे। फिर एलेक्स के सिब्लिंग्स उन गेम्स के बारे में बताते हैं जो उनके टाइम पर उनके पास आई थी। ग्रेस उस बॉक्स को पकड़कर कार्ड निकालती है और कार्ड पर जो गेम आई थी वो थी हाइड एंड सीक और उस कार्ड को देखते ही पूरी फैमिली बिल्कुल खामोश हो जाती है और काफी हैरान भी। ग्रेस हंसते हुए पूछती है कि क्या हम लोग सच में ये गेम खेलने वाले हैं। फिर एलेक्स का फादर ग्रेस को छुपने के लिए बोलता है और पूरी फैमिली ग्रेस को ढूंढेगी और ये सब कुछ ग्रेस को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, उसे अजीब लग रहा था लेकिन उसे क्या पता था कि ये गेम कितनी मिस्टीरियस है और ये कोई नॉर्मल गेम नहीं है। फिर सारे कैमराज और डोर्स बंद करवा दिए जाते हैं क्योंकि वो लोग लबेल के रूल
रूल्स को फॉलो कर रहे थे। फिर वहाँ पर एक म्यूजिक प्ले कर दिया जाता है और घर के सारे मेंबर्स अपने अपने वेपन्स लेकर बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। अब क्योंकि रूल्स का ख्याल रखकर खेलना होता था, इसीलिए वो सारे लोग रूल्स को फॉलो कर रहे थे। फिर ट्रेडिशन के मुताबिक गेम को स्टार्ट कर दिया जाता है। अब क्योंकि एलेक्स इस गेम में पार्टिसिपेट करना नहीं चाहता था, इसीलिए वो जाकर एक रूम में बैठ जाता है जहाँ पर एलेक्स की सिस्टर इन लॉ उस पर नजर रखे हुए थी कि कहीं वो ग्रेस की हेल्प ना करे। ग्रेस एक लिफ्ट में जाकर छुप जाती है और फैमिली के सारे मेंबर्स उसे ढूंढने लगते हैं। एलेक्स की सिस्टर इन लॉ जब उससे बात करने जाती है तो वो देखती है कि एलेक्स तो सीक्रेट डोर से भाग गया है। ग्रेस वहाँ से बाहर आ जाती है क्योंकि वो वहाँ पर बैठे बैठे बोर हो गई थी। लेकिन तभी एलेक्स पीछे से आकर ग्रेस को पकड़कर एक रूम में ले जाता है और वो दोनों हस्बैंड वाइफ उसी रूम में जाकर छुप जाते हैं। लेकिन तभी उनके कदमों की आवाज सुनकर उनकी मेड जाग जाती है। अब क्योंकि वो मेड एलेक्स के नेफ्यूज का ख्याल रख रही थी तो कदमों की आहट सुनकर उसे रियलाइज होता है कि शायद वहाँ पर वो बच्चा ही होगा क्योंकि वो अपने बिस्तर पर नहीं था उस वक्त। इसीलिए वो चेक करने के लिए जाती है और वो उसी रूम में आ जाती है जहाँ पर एलेक्स और ग्रेस छुपे हुए थे। लेकिन तभी एलेक्स की सिस्टर उसे शूट कर देती है। गोली आकर सीधा उस मेड की आंख में लगती है जिससे उसकी आंख ही निकल कर बाहर आ जाती है और दूर गिर जाती है। ये देखकर ग्रेस बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी वहाँ पर फैमिली के बाकी मेंबर्स भी आ जाते हैं और वो इस बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं कि इस डेड बॉडी को जल्द से जल्द कहाँ पर रखा जाए क्योंकि अगर ग्रेस ने इसको देख लिया तो उसे इस फैमिली की रियलिटी पता चल जाएगी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ग्रेस तो ये सब कुछ देख चुकी है और उसे इस फैमिली का पता भी चल गया है। एलेक्स का भाई अपनी आंट से पूछता है कि क्या ये खून काउंट होगा, जिस पर वो कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, हमें सिर्फ ब्राइट का ही खून चाहिए और अगर हमने ग्रेस को रातों रात ना मारा तो सुबह होते ही लबेल हम सबको बहुत बुरे तरीके से मार डालेगा। ग्रेस ये सारी बातें सुन लेती है और उसे सारी बात समझ आ गई थी कि ये फैमिली मुझे मारना चाह रही है। तब एलेक्स उसे कहता है कि जल्द से जल्द हमें यहाँ से भागना होगा, यही हमारे लिए जरूरी है। और वो ग्रेस को ये बात भी बताता है कि जो कार्ड तुमने सिलेक्ट किया था वो बहुत ही खतरनाक है। हाइड एंड सीक का मतलब नॉर्मल हाइड एंड सीक बिल्कुल नहीं है, बल्कि तुम छुपोगी और ये सारी फैमिली तुम्हें ढूंढेगी और अगर इन्होंने तुम्हें ढूंढ लिया तो ये तुम्हें मार डालेंगे। और इस फैमिली का मानना है कि अगर इन्होंने तुम्हें ना मारा तो सुबह तक लबेल इन्हें मार डालेगा। फिर वो लोग एक प्लान बनाते हैं। एलेक्स कहता है कि मैं किचन के डोर्स खोल दूंगा ताकि तुम वहाँ से भाग जाओ। लेकिन जैसे ही वो किचन की तरफ जा रही होती है घर के सारे मेंबर्स उसे देख लेते हैं। ग्रेस को देखते ही वो सारे उसके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ग्रेस बड़ी चालाकी से अपनी जान बचाते हुए स्टडी रूम में चली जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर एलेक्स का भाई आ जाता है और ग्रेस उससे हेल्प मांगती है। एलेक्स का भाई ग्रेस को कहता है कि मैं तुम्हें मारना बिल्कुल भी नहीं चाहता क्योंकि तुम मेरे भाई की वाइफ हो और वो तुमसे बहुत प्यार करता है। वो कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 10 सेकंड्स हैं, जल्दी से भाग जाओ। यहाँ पर गेम का रूल ये था कि जो भी ग्रेस को देखेगा वो फैमिली की बाकी मेंबर्स को वहाँ पर बुला लेगा ताकि फैमिली के सारे मेंबर्स मिलकर ग्रेस को मार दे। 10 सेकंड्स होते ही ग्रेस वहाँ से भाग जाती है जहाँ पर एलेक्स का भाई आवाज लगाकर फैमिली के सारे मेंबर्स को बुला लेता है और वो सारे लोग एलेक्स के भाई पर गुस्सा करते हैं कि तुमने ग्रेस को क्यों नहीं मारा। फिर एलेक्स का फादर कैमराज की मदद से ग्रेस को ढूंढने का फैसला करता है। लेकिन तभी वो देखते हैं कि कैमराज वाले रूम में तो एलेक्स है जिसने सारे डोर्स खोल दिए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ग्रेस वहाँ से भाग नहीं पाई क्योंकि वहाँ पर एलेक्स का अंकल था और उसने ग्रेस को मारने की काफी कोशिश की और उन दोनों के बीच काफी फाइट हुई, लेकिन ग्रेस उसे इंजर्ड करके वहाँ से भाग गई। एलेक्स का फादर और उसके भाई कैमराज रूम का दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं और वो एलेक्स को बेहोश कर देते हैं और उसे हैंडकफ से बांध दिया जाता है। इसके बाद ग्रेस छुपने के लिए दोबारा उसी लिफ्ट में जाती है, लेकिन वहाँ पर ऑलरेडी डर कर उनकी मेड छुपी हुई थी और वो चिल्ला चिल्ला कर सबको बता रही होती है कि ग्रेस यहाँ पर है। लेकिन तभी उसकी गर्दन लिफ्ट में फंस जाती है और बहुत बुरे तरीके से उसकी मौत हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ा राज रिवील होता है कि एलेक्स की आंट कोई और नहीं बल्कि वही लेडी थी जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था, जो उस इंजर्ड आदमी को बचाने के लिए चिल्ला रही थी और वो इंजर्ड आदमी उसका हस्बैंड था जो कि इस गेम का शिकार हो गया। वो एलेक्स के फादर को बता रही होती है कि लबेल ये कुर्बानी सिर्फ उन्हीं लोगों से लेता है जिन्हें वो सिलेक्ट करता है फैमिली को गाइड करने के लिए, जैसे पहले उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया और अब उन्होंने एलेक्स को कर दिया ताकि वो अपनी वाइफ की कुर्बानी दे। ग्रेस भागते हुए एनिमल्स फार्म में आ जाती है और उस फार्म में पहले से ही एलेक्स का नेफ्यू था। ग्रेस सोचती है कि शायद ये बच्चा डर कर यहाँ पर छुपा हुआ है, इसीलिए वो उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो बच्चा ग्रेस को शूट कर देता है और वो गोली ग्रेस के हाथ की आर पार हो जाती है। ये देखकर ग्रेस को गुस्सा आ जाता है और वो उस बच्चे को पंच मारकर बेहोश कर देती है और खुद वो गिर जाती है एनिमल्स फार्म के बेसमेंट में जहाँ पर बहुत सारी डेड बॉडीज पड़ी हुई थी और ये उन लोगों की डेड बॉडीज थी जो इस गेम का शिकार हुए। इसका मतलब ये था कि अब से पहले भी वो बहुत सारे लोगों को मार चुके थे। ग्रेस किसी तरह बड़ी मुश्किल से वहाँ से बाहर आ जाती है
है, लेकिन एक कील उसके हाथ में घुस जाती है जिससे वो और ज्यादा इंजर्ड हो जाती है और उसे काफी तकलीफ होती है। वो मेन गेट से भागने की कोशिश करती है, फिर वो एक गाड़ी से भी हेल्प मांगती है लेकिन वो उसकी हेल्प नहीं करते। फिर वो जान बचाने के लिए भागते हुए जंगल में चली जाती है और एक ट्री के पीछे जाकर छुप जाती है, क्योंकि एलेक्स का अंकल उसका पीछा कर रहा था और वो वहां पर पहुंच जाता है। लेकिन ग्रेस एक वायर से उसका गला दबा देती है और गाड़ी लेकर वहां से चली जाती है। इसके बाद ग्रेस ऑपरेटर को कॉल करती है और वो लाइन को पुलिस नंबर से कनेक्ट करने के लिए कहती है, लेकिन ऑपरेटर बजाय उसकी हेल्प करने के लिए ये कहकर कॉल काट देता है कि ये गाड़ी चोरी की है। और अब ग्रेस वहां पर फंस चुकी थी, लेकिन तभी वहां पर एलेक्स का अंकल आ जाता है और वो ग्रेस को बेहोश कर देता है और वो उसे गाड़ी की पिछली सीट पर डाल देता है। फिर वो एलेक्स के फादर को वीडियो कॉल करता है और पूरी फैमिली को बताता है कि मैंने ग्रेस को पकड़ लिया है, तुम कुर्बानी की जल्दी से तैयारी करो। लेकिन तभी ग्रेस को होश आ जाता है और वो उस पर अटैक कर देती है, जिससे गाड़ी का बैलेंस खराब हो जाता है और वो जाकर एक ट्री से टकरा जाती है, जिससे एलेक्स के अंकल की मौके पर ही मौत हो जाती है। लेकिन इस एक्सीडेंट में ग्रेस बच जाती है, लेकिन जब वो बाहर निकल कर वहां से भागने लगती है तब वहां पर एलेक्स का भाई आ जाता है, जहां पर ग्रेस एलेक्स के भाई से हेल्प मांगती है। लेकिन इस बार वो उसकी हेल्प नहीं करता बल्कि वो उसे बेहोश कर देता है और पैलेस ले जाने लगता है, क्योंकि उसके फादर ने उस पर नजर रखी हुई थी। फिर वो ग्रेस को बांध कर एक रिचुअल कर रहे होते हैं, वो कुछ स्पेल्स बोलते हैं और एक ड्रिंक भी पीते हैं। और जैसे ही एलेक्स का फादर ग्रेस को मारने वाला होता है, उन सबको खून की वॉमिट होने लगती है, क्योंकि एलेक्स के भाई ने उनकी ड्रिंक्स में कुछ मिला दिया था। और मौके का फायदा उठाकर वो ग्रेस को आजाद कर देता है और वहां से भागने में उसकी हेल्प भी करता है। लेकिन तभी वहां पर उसकी वाइफ आ जाती है और उसे शूट कर देती है। ये देखकर ग्रेस को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसकी वाइफ को मारकर बेहोश कर देती है। ऐसा करके वो वहां से भागने लगती है। एलेक्स को भी अब होश आ गई थी और वो अपने हैंडकफ से आजाद हो जाता है। फिर वो बाहर आकर देखता है कि उसका भाई मर चुका है। ग्रेस वहां से भाग रही होती है कि तभी वहां पर एलेक्स का फादर आ जाता है और वो ग्रेस को मारने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रेस एक लैंप से उस पर अटैक कर देती है जिससे वहां पर आग लग जाती है। लेकिन जैसे ही ग्रेस थोड़ा आगे जाती है, वहां पर एलेक्स की मदर आ जाती है और उसे मारने की कोशिश करती है और वो गुस्से में ग्रेस को कहती है कि तुम हमारी फैमिली को डिजर्व ही नहीं करती। यहाँ पर भी ग्रेस को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उनके बीच काफी फाइट होती है। और तभी ग्रेस के हाथ में लबेल का वो बॉक्स लग जाता है, जिससे वो एलेक्स की मदर को हिट करके उसे बहुत बुरे तरीके से मार डालती है और कहती है कि तुम और तुम्हारी फैमिली ही मुझे डिजर्व नहीं करती, भाड़ में जाओ तुम लोग। वहां पर एलेक्स भी होता है और वो अपनी आंखों से वो सब कुछ देख लेता है कि ग्रेस ने उसकी मदर को कितने बुरे तरीके से मार डाला है, जिससे एलेक्स के दिल में ग्रेस का प्यार खत्म हो जाता है और वो चेंज हो जाता है। और अब वो खुद ग्रेस को पकड़ कर अपनी फैमिली के पास ले जाता है। वो सब लोग ग्रेस को पकड़ लेते हैं और इस बार एलेक्स खुद ग्रेस को मारने वाला था, लेकिन जैसे ही एलेक्स उसे मारने वाला होता है वो साइड पर हट जाती है, लेकिन नाइफ उसके शोल्डर पर लग जाता है और इसके बावजूद भी वो हिम्मत नहीं हारती और वो हिम्मत करके उठकर खड़ी हो जाती है। और इस बार वो काफी अग्रेसिव थी, लेकिन तभी वो देखती है कि सुबह हो गई है और ये देखकर वो सब लोग छुपने लगते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि अब वो सब लोग मर जाएंगे। लेकिन अब क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता, यानी वो नहीं मरती, तो वो काफी हैरान भी हो जाते हैं और खुश भी, और कहते हैं कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हम इस लड़की ग्रेस को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये हमारी फैमिली उसकी रियलिटी जान चुकी है। और तभी एलेक्स की आंट एक कुल्हाड़ी से उसे मारने जाती है, लेकिन इससे पहले ही वो बहुत बुरे तरीके से ब्लास्ट होकर मर जाती है। यानी इसका मतलब ये था कि जो कुछ वो लोग कह रहे थे वो बिल्कुल सच था और लबेल अब सबको एक एक करके बुरे तरीके से मारता जा रहा था और वो एक एक करके बुरे तरीके से ब्लास्ट होने लगते हैं, मरने लगते हैं। एलेक्स की सिस्टर अपने बच्चों को लेकर बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी ब्लास्ट हो जाती है। एलेक्स का ब्रदर इन लॉ लबेल के बॉक्स को उठा लेता है और बोलता है कि तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम मुझे मार दो इतनी बुरी मौत, क्योंकि मैंने हमेशा इस गेम को खेला है रूल्स का ख्याल रखते हुए। लेकिन तभी वो भी ब्लास्ट हो जाता है और अब वहाँ पर सिर्फ ग्रेस और एलेक्स ही बचे थे। अब क्योंकि ग्रेस ने इतनी सारी पेन को बर्दाश्त किया था, इसीलिए उसे जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि कौन जिंदा है और कौन मर रहा है। लेकिन उस फैमिली का ऐसा हाल होता देख कर वो बहुत ज्यादा खुश थी। फिर एलेक्स ग्रेस से माफी मांगता है कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया, जिस पर ग्रेस कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी क्योंकि मुझे डिवोर्स चाहिए। और जैसे ही वो रिंग उतार कर एलेक्स के मुंह पर फेंकती है, तो एलेक्स भी पूरी तरह से ब्लास्ट होकर मर जाता है। और फिर पूरे घर में आग फैल जाती है, पूरा पैलेस जल जाता है। इसी आग में लबेल की एक ग्लिम्प्स दिखाई देती है और ये इस बात की तरफ हिंट था कि ग्रेस जीत गई है और अब सारी प्रॉपर्टी ग्रेस की है, क्योंकि वो एलेक्स की विडो है। और यहीं पर इस मूवी का दी एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।